ये हाल क्या है दोनों चैनल मारियो सारे ग्लोबल वॉशिंग डे यहीं पे आ गया। हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी दुआ कलंदी एंड यू आर वाचिंग दी कलंदरीज। सो हमारा व्लॉग कल से ही कंटिन्यू हो रहा है। तो जैसा कल वाले व्लॉग में हमने बताया था कि मोहम्मद साल को बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, उसका फीवर बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था और वो कुछ खा भी नहीं रहा था। तो फिर मम्मा और बदान सोचा कि चलो उसके लिए चिकन बना लेते क्योंकि उसको पसंद है चिकन, लेकिन हुआ यूँ कि उसने वो भी नहीं खाई थी। सो थोड़ी सी रिकॉर्ड करिए, सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉनलेस चिकन है, उसके अंदर लाल मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, चाट मसाला और इस तरह से सारे इंग्रीडियंट्स जो आपको अच्छे लगते हैं ऐड कर दें। और फिर इसमें एग ऐड किया है, चावल का आटा, उससे क्रिस्पनेस आ जाती है और कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। और हुआ पता है क्या था कि जब हम वर्धा एग डालने लगी ना उसमें, तो वो होशियार बन के ना ऊपर से डालने लगी तो सारा उसको मोबाइल पे भी गिर गया था। खैर उसके बाद उसको हमने कर लिया मिक्स और करेंगे फ्राई। सो घर की शिफ्टिंग बिल्कुल मतलब हो रही, आज फर्जे सामान चला गया था तो भी जो है वो आलू की कबाब बना लिया। थोड़ी सी इसकी जो है ना वो हमने कोटिंग वगैरह चेंज किया, अगर ये अच्छी लगी हमें तो फिर इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। और इधर जो है वो क्योंकि सबको मिट्टी से जो है ना एलर्जी हो गई काम करके, तो मैं कलौंजी का पानी बना रही हूँ, ठीक है जी, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो गले वगैरह में। और मोहम्मद साहब को बहुत तेज़ बुखार है, मैंने वो रिकॉर्ड किया है, ऐड करेंगे इसमें। तो ये सब दुआ करेंगे हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, इंशाल्लाह हमारा शहजादा जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस वो बीमार होता है ना, हमारा दिल ही नहीं लगता, वो बार बार बोल रहा है पिया मेरे दर दर्द हो रहा है, पिया मेरे उधर दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, पिया आपने दम कर दिया, नज़र होती तो उतर जाती, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है। हाँ छोटा छोटा सा दिल का हमारा छोटा सा चला था, लेकिन ये कि सिर्फ अगर आप भी कभी को ऐसा हो कि एलर्जी हो रही हो या नज़ला वगैरह हो रहा हो या ब्लॉक हो रहा हो सांस, तो पानी में एक चम्मच कलौंजी, एक कप दो कप से उसको थोड़ा सा इतना कर लें कि वो पानी, ठीक है, पानी बॉयल हो जाए, फिर इसको जो है छान के पानी को पी लें थोड़ा सा नीम गर्म करके, तो वो पूरा आपका सीना वगैरह सब जो ब्लॉकेज हो गया ना वो ठीक कर देगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर कोई एलर्जी भी होती है तो उसमें इंस्टेंट आराम आएगा। मेरा ख्याल है कोरोना का भी जब चला था ना, जब भी ये कह रहे थे कि आप ये पानी पिए, तो ये मुफीद है। हाँ क्योंकि कलौंजी में 99 बीमारियों का इलाज है, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा बस, सब वैसे ही पीते नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होता इसमें, लेकिन पता नहीं क्यों बस पता चलता है ना ये कलौंजी का पानी है, तो बच्चे ज़िद करते हैं, हमारे घर में तो बड़े भी ज़िद करते हैं। बस ये भी हो गया, अब इसको भी मैं कप में निकाल लूँगी। अरे भाई मैं भूल गई दाल चावल बनाओ, और चावल के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है, तो मैंने कहा मम्मा प्लीज़ चावल बना लो, कुछ भी नहीं होगा ना, मैं सादे चावल भी खा लूँगी, इसके बगैर मुझे चैन नहीं आता, मेरी पहली मोहब्बत है, ठीक है जी। और हियर वी गो, और थोड़ी सी दाल, तो जाहिर सा शिफ्टिंग चल रही है, सब चीज़ें इधर उधर, कुछ सामान है कुछ नहीं है, तो इस तरह से करके हमने आज का तो खाना बना लिया रात का। सब्ज़ी लिया और पापा आज लेकर आए, जब जो है शिफ्टिंग हो रही है तो ये कुछ हालात हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन चलो ये कि यार अब रोज़ रोज़ भी बंदा मुर्गी तो खा नहीं सकता, कोई सब्ज़ी हो तो बना ले, वैसे ही शिफ्टिंग है, जल्दी निपटाने वाला काम हो ना, रोज़ रोज़ बंदा बाहर से मंगवा के खा सकता है, पेट भी नहीं भरता, बजट भी आउट हो जाता है। तो मम्मा जो है वो यहाँ पे ये काम कर रही हैं, बाकी दिखाती हूँ मैं आप बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं। भाई तो ये देखें, ये अलमारी पर तशद्दुद हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है जी ना, ये निकाले बाकी वो निकाले, वे दिखा जो निकाले, देखें ये हाल क्या है दोनों चने अलमारियों का, आट इस तरह फट कुछ भी हाल नहीं करा। ये देखिए जी अलमारी खाली हो गई है, ठीक है जी, यहाँ से लगे हुए थे निकाले, अब क्योंकि हम ये सेल कर रहे हैं कबर्ड्स और हमारा वाला बैग, तो इसलिए हमने ये भी निकाल लिया। भाई जिस जिसके आप पैसे देंगे ना आपको वही मिलेगा, आपने अलमारी के दरवाजों के इनके उनके दिए ना, तो हम आपको बस वही भी निकाल दूँ, नहीं कर बदतमीज हो जाएगी, कैसे करेंगे। और ये देखें, खैर थोड़ा सा घर बिगड़ा हुआ है, शिफ्टिंग हो रही तो, और इसको पूरा दिन छोड़ के आधी रात को याद आया कि इसको काम करना है, क्या कर रही हो तुम दिखाना, ये सारे ग्लोबल वॉशिंग डे यहीं पे आ गया है, घर में हाथ नहीं धोने सिखाएगी हमने, बदतमीज लोग, यह डराम है, हमारे घर में कोई भी काम नहीं करती, बस ये ले लेकर आ जाती है और दिखाने के लिए यही करती रहती है। देखे दादी अम्मा दिखाना कौन सी स्टिक्स पे कलर किए, अरे ये वो स्टिक्स हैं जिनमें लोग बोटियां वोटियां बनाते हैं, वाली स्टिक्स पे इतने कलर कर करके मैं बोटियां पकड़ाऊंगी बच्चा को। द नेक्स्ट डे
सो ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। हम लोग साथ साथ बिजी भी थे तो जो जो क्लिप्स हम रिकॉर्ड कर पाए हमने रिकॉर्ड की है, कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाएँ। सो यहाँ पर क्योंकि मोहम्मद सैल का फीवर बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था, ऐसा नहीं था कि उतर रहा है चढ़ रहा है, उसको मुस्तकिल फ़ीवर था 101 से ऊपर, मतलब तकरीबन 102 तक उसका फ़ीवर जा रहा था मुस्तकिल। सो फिर जो है ना उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके गया। पहले था संडे आ गया था बीच में, तो सैटरडे संडे डॉक्टर नहीं होता तो इसलिए फिर मंडे के दिन गए थे उसको डॉक्टर के लेके। और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह से, और हम तो मोहम्मद सैल को हमेशा से उन्हीं को ही दिखाते हैं, मतलब समझिए कि वो उसके परमानेंट डॉक्टर फिक्स हुए हुए हैं। बाहर रश है, मोहम्मद सैल की हालत ख़राब, वो बैठ नहीं सकते, तो हमें रूम दिया गया और मैं बन गई हूँ डॉक्टर। टरंग टरंग टरंग, और हम मोहम्मद सैल उधर लेटा हो। सो फाइनली यहाँ पर मम्मा बंदर जा रही हैं चेकअप करवाने के लिए रूम में, और मम्मा के साथ अनुषा गई थी, पापा को काम था तो वो नहीं गए, तो मम्मा और अनुषा गए थे और हम लोग घर में ही थे। और अभी जो काम हो रहे थे और उसमें मिट्टी में, इसमें हम सभी को एलर्जी है, तो इस दौरान अनुषा की भी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन वो दवाई के लिए नहीं जा पाए क्योंकि वो थी वहाँ क्लिनिक में मम्मा के साथ। और इसके साथ साथ फिर डॉक्टर ने जो है ना बहुत सारे उसको टेस्ट लिख दिए थे क्योंकि डॉक्टर ने खुद ने कहा एक दिन के अंदर इतना फीवर कैसे हो गया, तो सारे टेस्ट करवाने के लिए भी इन लोगों को जाना पड़ा। एक ही साथ सब टेस्ट हुए, उसके डेंगू का, मलेरिया का, उसका एक्सरे भी हुआ, और साथ ही साथ फिर हमारा पूरा वीक इसी तरह से ही निकला है। और जब घर में सबसे छोटा और लाडला वाला बीमार होता है ना तो घर में ऐसी हालत होती है, सब परेशान हो जाते हैं, और स्पेशली मम्मा सबसे ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मम्मा को मोहम्मद सैल को भी देखना होता है, दवाई के लिए भी जाना और उन्हें भी सारे काम देखने होते हैं। जाहिर है शिफ्टिंग का टाइम है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, मतलब आपको पूरा घर पैक करना होता है, कोई एक चीज़ नहीं होती है। तो और हम जितना भी काम कर लें हमें जो है ना कहीं मम्मा की ज़रूरत पड़ती ही है, कोई चीज़ बताने के लिए, कोई चीज़ पूछने के लिए, हर चीज़ में पड़ती है। और मम्मा की तो खुद की ही भी तबीयत सही नहीं थी, मतलब समझे कि हमारा पूरा वीक इसी तरह से ही निकला है। खैर फिर टेस्ट वगैरह करवाने के बाद ये लोग आ गए थे घर। तो होस्ट कोई बैग स्ट्रेच कर दिया, बैठे हुए हम भूल गए, लाइव चला के भूल गए। जैसे सेटअप लगाया वरदान, मैंने लगा के दिया, वरदान ही नहीं लगाया। छोटे छोटे हाथों को भी कितनी स्ट्रगल होती है। न्यू चीज डिस्कवर, वाओ, अबे मुड़ गई नारंगी। एटलीस्ट वर्दा से तो अच्छा ही किया, मेरा किसी ने देखा नहीं। डोंट अंडरएस्टिमेट छोटे गट्टे लोग। सो यहाँ पर मैं शिशु के लिए जूस निकाल रही थी जो कि वो भी उसने नहीं पिया। खैर दैट्स इट फॉर टुडे, यही था हमारा आज का व्लॉग। होप यू गाइज लाइक इट, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।